प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पैरा ओलंपिक में पदक विजेता खिलाड़ियों से मुलाकात की। तालिबान के नवनियुक्त शिक्षा मंत्री ने अजीबोगरीब बयान दिया है और कहा है कि मास्टर और पीएचडी डिग्री की कोई अहमियत नहीं है। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने राजस्थान के बाड़मेर में भारतीय वायुसेना के लिए आपात लैंडिंग फील्ड का उद्घाटन किया। झारखंड राज्य में धार्मिक स्थलों एवं कक्षा 5 से ऊपर के स्कूलों को खोलने पर आज फैसला लिया जाएगा। T20 विश्व कप के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया गया है। AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी को बाराबंकी में सभा करने की अनुमति नहीं मिली। भारतवर्ष में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 37,875 नए मामले सामने आए हैं।